हेलो एवरीवन वेलकम टू पवन बाग एकेडमी आई एम अंकिता और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट थर्मोडाइनमिक्स वाले चैप्टर का तो लास्ट वाले क्लासेस में हम लोगों ने देखा था जो भी आपकी एंथालपीज थी सारी की सारी बहुत सारी एंथालपीज हम लोगों ने देखी थी है ना अब आज के क्लास में हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड एंथालपीज को ठीक है एंथालपीज वाला पार्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में कम्प्लीटली कवर कर लिया था लेकिन जो बचता है वो है आपका स्टैंडर्ड एंथलपी वाला पार्ट उस पार्ट को हम लोग आज के क्लास में देखेंगे और साथ ही साथ ये पार्ट होने के बाद इसी के साथ साथ इसके जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी सॉल्व करेंगे सो so दैट एक प्रैक्टिस हो जाए और न्यूमेरिकल्स जो होते हैं इस पार्ट से आते हैं पेपर में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इसलिए ये न्यूमेरिकल्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है बट न्यूमेरिकल्स तभी करते आएंगे जब हम लोग को कंसेप्ट समझ में आएगा तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कंसेप्ट को फिर सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स को ठीक है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट के बिना स्टार्ट करते अपने चैप्टर को ठीक है सबसे पहला है आपका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन देखो अगर बात की जाए ना तो सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख लेती हूं फिर हम लोग इसको समझते हैं राइट द एंथैल्पी चेंज द एंथैल्पी चेंज दैट ऑकर्स During a reaction, when the reactants and products both are in the standard state. सबसे पहली चीज ये है कि जो भी आपकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो आपने यहाँ पे ये यह जाना कि ये है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इसका मतलब नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ हो होता है जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वाले क्लासेस में भी बताया था तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना जो भी आपकी एंथैल्पी चेंज हो रही है जो भी आपकी एंथैल्पी चेंज हो रही है ड्यूरिंग ए रिएक्शन रिएक्शन के वक्त जो भी एंथैल्पी चेंजेस होते हैं क्योंकि इसका नाम ही क्या है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नाम ही है स्टैंडर्ड एंथाल्पी ऑफ रिएक्शन इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये है आपकी एंथाल्पी चेंज जो भी एंथाल्पी चेंज हो रही है रिएक्शन के वक्त ठीक है वेन रिएक्टेड एंड प्रोडक्ट बोथ आर इन द स्टैंडर्ड स्टेट हम लोग को पता होना चाहिए कि यहाँ पे इसका नाम है स्टैंडर्ड एंथाल्पी ऑफ रिएक्शन इसका मतलब अगर मुझे बोलना है तो मैं ऐसे बोलूंगी कि जो भी आपकी एंथलपी चेंज हो रही है कब रिएक्शन के वक्त जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट स्टैंडर्ड स्टेट में है तो ऐसे रिएक्शन को ऐसे एंथॉलपी चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथालपी ऑफ रिएक्शन समझ में आ गया ना जब आप उसका नाम पढ़ोगे ना तभी आपको वो चीज़ क्लिक हो जाएगी स्टैंडर्ड एंथलपी ऑफ रिएक्शन मतलब एक ऐसा एंथलपी चेंज जो हो रहा है रिएक्शन के वक्त एक ऐसा एंथालपी चेंज जो हो रहा है रिएक्शन के वक्त जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के दोनों स्टैंडर्ड स्टेट में रहेंगे तो ऐसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं है, आपकी कौन सी कौन सी स्टैंडर्ड एंथल हो सकती है वो चीजों को हम लोग एक बार देख लेते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन के वक्त थर्मोकेमिकल इक्वेशन तो नेक्स्ट है आपका थर्मोकेमिकल इक्वेशन सबसे पहली चीज़ ये है कि थर्मोकेमिकल इक्वेशंस जो होते हैं ये हम लोग को एक आइडिया बताएंगे कि हमारी जो एंथैल्पी है रिएक्शन की वो कैसे कैसे वैरी करते जाती है अगर हम लोग को ये रूल्स नहीं पता ना तो न्यूमेिकल्स करते वक्त हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है और हम लोग छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं इसलिए हम लोग को ये पार्ट जो है इसके जो भी पॉइंट्स हैं उनको स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम लोग ये पॉइंट्स को स्टडी कर ले तभी जाके हम लोग न्यूमेरिकल्स पे अप्लाई कर सकते हैं सो so, देखेंगे हम लोग कि थर्मोकेमिकल इक्वेशन में कौन से कौन से पॉइंट्स आते हैं एंथाल्पी चेंज के देखते हैं उनको सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि फर्स्टली बैलेंस द रिएक्शन फर्स्टली बैलेंस द रिएक्शन मतलब काम की चीज़ जो है ना वो ये है कि सबसे पहले आपको पूरे काम धाम छोड़ के रिएक्शन को बैलेंस करने का है अगर आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जाते हो है ना ये जो पॉइंट्स है ये आपको बताएंगे कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त कौन सी कौन सी बातों का ध्यान रखना है सबसे पहला ये कहता है कि फर्स्टली बैलेंस द रिएक्शन मतलब आपकी जो रिएक्शन है वो बैलेंस होनी चाहिए अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं किया तो जितने भी कैलकुलेशन आप लोग करेंगे वो सारे के सारे कैलकुलेशन आपके गलत रहेंगे रिएक्शन को बैलेंस तो करना ही पड़ेगा ठीक है सेकेंड चीज़ ये है कि जब भी आप रिएक्शन को लिखोगे वाइल राइटिंग रिएक्शन वाइल राइटिंग रिएक्शन जब भी आप रिएक्शन को लिखोगे ना तो आपको ऑलवेज मेंशन करना है आपको मेंशन करना है स्टेट को ऑलवेज मेंशन स्टेट्स इसका मतलब अगर आप जैसे कोई भी रिएक्शन ले रहे हो लेटेस्ट से ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी तो आपको वहाँ पे अगर सॉलिड है तो उसके नीचे एस लिखना है अगर लिक्विड है तो उसके नीचे एल लिखना है अगर गैस है तो उसके नीचे जी लिखना है तो इन सेंस ये कहना है मुझे कि जब भी आप किसी भी रिएक्शन को लिखते हो तो आपको जो भी सब्सटेंस का जो भी स्टेट है चाहे सॉलिड हो लिक्विड हो या गैस हो उसके नीचे उसको मैंशन करना पड़ेगा ये बात आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए ठीक है तीसरी थिंग है आपकी कि जब भी आप लोग डेल्टा एच को लिखते हो ऑलवेज मेंशन प्रॉपर साइन ऑलवेज मैंशन प्रॉपर साइन आपको वहाँ पे बराबर प्रॉपर साइन देने का है जब भी आप डेल्टा एच की वैल्यू लिखते हो ना टू डेल्टा एच वैल्यू तो आपको साइन को बराबर मेंशन करने का है क्योंकि साइन में पूरी की पूरी कहानी छुपी होती है देखो कैसे अगर आपका डेल्टा एच का वैल्यू सपोज आ जाए नेगेटिव तो हम लोग बोलते हैं ना कि रिएक्शन एक्जो नेचर की है अगर आपका डेल्टा एच का वैल्यू सपोज आ जाए पॉजिटिव तो हम लोग क्या बोलते कि आपकी रिएक्शन एंडोथर्मिक नेचर की है है ना इसीलिए डेल्टा एच का साइन देते वक्त बहुत ज्यादा ध्यान रखना है अगर साइन में गड़बड़ी हो गई तो रिएक्शन का नेचर ही चेंज हो जाएगा तो आपका पूरा का पूरा न्यूमेरिकल भी गलत हो जाएगा ठीक है तो पहला पॉइंट हमें हमारा क्या कहता है कि सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करना है अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं करोगे तो सारी चीजें गड़बड़ी हो जाएंगी ठीक है सेकेंड पॉइंट कहता है कि जब भी आप किसी भी रिएक्शन को लिख रहे हो तो आपको बराबर सॉलिड लिक्विड और गैस को मेंशन करना है तीसरा पॉइंट कहता है कि डेल्टा एच का साइन आपको बराबर देना है अगर डेल्टा एच का वैल्यू है नेगेटिव तो रिएक्शन रहेगी एक्जो अगर डेल्टा एच का वैल्यू है पॉजिटिव तो रिएक्शन रहेगी एंडोथर्मिक लास्ट पॉइंट लास्ट बट नॉट द लीस्ट लास्ट वाला पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनना ये ये कहता है कि सपोज़ ये है आपकी रिएक्शन ए प्लस बी ये आपको दे रहा है सपोज सी और इसके लिए डेल्टा एच का वैल्यू है लेटेस्ट से वन ठीक है मैंने वन ले लिया है तो अगर मैंने रिएक्शन को सपोज टू से मल्टीप्लाई किया अगर मैं रिएक्शन को टू से मल्टीप्लाई कर देती हूँ कुछ इस तरीके से तो हम लोग क्या करते हैं हम लोग रिएक्शन को तो बराबर मल्टीप्लाई कर देते हैं बट हम लोग इस डेल्टा एच वाले टर्म को मल्टीप्लाई नहीं करते तो आपके दिमाग में ये चीज़ फिट हो जानी चाहिए कि जब भी आप किसी भी रिएक्शन को लिखते हो तो उसका डेल्टा एच का कुछ ना कुछ वैल्यू रहता है बट जब आप रिएक्शन को किसी टर्म से मल्टीप्लाई करते हो जैसे कि आपने हर जगह पे यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई किया है तो आपको इस डेल्टा एच को भी टू से मल्टीप्लाई करना है टू इंटू वन इक्वल्स टू टू ठीक है तो कहना मुझे यह है कि ऑलवेज मल्टीप्लाई द डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन ऑल्सो रिएक्शन बैलेंस करेंगे रिएक्शन में कुछ भी करेंगे तो रिएक्शन में तो मल्टीप्लाई करेंगे बट डेल्टा एच को भी मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है समझ में आ गया तो सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करेंगे स्टेट सारे के सारे मेंशन करेंगे डेल्टा एच का जो भी साइन आता है बराबर सिस्टमेटिकली लिखना है प्लस है या माइनस है और लास्ट पॉइंट कहता है कि अगर रिएक्शन में मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा एच को भी मल्टीप्लाई करना मत भूलना ये जो पॉइंट्स है ना ये वाले पॉइंट्स ये पेपर में कहीं पर पूछने वाले नहीं है आपको लेकिन ये पॉइंट्स को आपको अप्लाई करते आना चाहिए अगर ये पॉइंट्स आपको अप्लाई करते नहीं आते तो आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा और ये जो पॉइंट्स है ना ये एक जगह पे नहीं हर जगह पे एंथल्पी चेंज निकालते वक्त काम में आएंगे इसलिए करना तो पड़ेगा ठीक है ले लो इसका स्क्रीन चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट जो कि है आपका स्टैंडर्ड एंथल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड एंथल्पी ऑफ रिएक्शन तो हमने कवर कर लिया अब हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड एंथल्पी ऑफ फॉर्मेशन को तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्टैंडर्ड एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन देखो मैंने आपको हमेशा से एक ही चीज़ बताई है कि जो भी उसका नाम होता है ना उसी में उसका डेफिनेशन छुपा होता है आप दस जगह पे पढ़ोगे ना दस चीज़ों को तो दस जगह पे दस जगह से डेफिनेशन को रट्टा नहीं मानना है बस नाम को पढ़ो और बस वही वाली चीज़ को आपको एक्सप्रेस करना है दैट्स इट ठीक है तो सबसे पहले देखेंगे स्टैंडर्ड एंथाल ऑफ फॉर्मेशन को मैं एक बार इसका डेफिनेशन लिख लेती हूँ फिर हम लोग इसको भी समझ लेते हैं द एन्थल चेंज द एंथाल चेंज that occurs during the formation of product during the formation of product during the formation of product one mole in standard state फ्रॉम called इन enthalpy स्टेट formation. ठीक है समझते हैं इस चीज को लिख तो लिया हम लोगों ने देखो ये चीज क्या कह रही है इसका नाम ही है स्टैंडर्ड एंथल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब मेरे दिमाग में एक चीज तो आ गई कि यहाँ पे क्या होने वाला है यहाँ पे जो भी आपकी एंथैल्पी चेंज होंगी कब होंगी जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा क्योंकि इसका नाम ही क्या है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फिर से बोलती हूँ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब ये जो आपका डेफिनेशन है ये क्या रहेगा जो भी आपकी एंथैल्पी चेंज हो रही है ध्यान से सुनना जो भी आपकी एंथैल्पी चेंज हो रही है जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है इन स्टैंडर्ड स्टेट फ्रॉम द रिएक्टेंट इन द सोचने की बात है अगर आपको अगर आपने यहाँ पे लिया है रिएक्टेंट और यहाँ पे आपने लिया है कुछ प्रोडक्ट अब सोचने की बात तो ये है कि अगर आपको प्रोडक्ट स्टैंडर्ड स्टेट में चाहिए सोचने की बात है अगर आपको प्रोडक्ट स्टैंडर्ड स्टेट में चाहिए तो आपको रिएक्टन भी तो स्टैंडर्ड स्टेट में लेना पड़ेगा ना अगर आप रिएक्टेंट स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं लोगे तो क्या प्रोडक्ट स्टैंडर्ड स्टेट में मिलेगा नहीं है ना? तो बिल्कुल उसी तरीके से है देख लेते फिर से एक बार जो भी आपकी एंथालपी चेंज हो रही है कब जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है कैसे इन स्टैंडर्ड स्टेट में फ्रॉम रिएक्टन इन द स्टैंडर्ड स्टेट उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे स्टैंडर्ड एनथलपी ऑफ फॉर्मेशन ठीक है जो भी एंथेल्पी चेंज होगा जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा स्टैंडर्ड स्टेट में फ्रॉम द रिएक्टन इन द स्टैंडर्ड स्टेट इस कॉल्ड एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे ना हम लोग स्टैंडर्ड एंथैल्पी और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का एक कोरिलेशन देखेंगे वहाँ से भी आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं और वो अगर आपको नहीं पता तो आप न्यूमेरिकल्स में बहुत सारे गलत करने के चांसेस हो सकते हैं इसलिए वो पॉइंट्स को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे उन पॉइंट्स को ठीक है देखते हैं उन पॉइंट्स को तो नेक्स्ट है आपका कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी अगर हमें कैलकुलेशन के ये वाले टिप्स नहीं पता तो हम लोग मिस्टेक कर सकते हैं ठीक है सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो ये कहता है कि जो भी आपका डेल्टा एच होता है ना फॉर एलिमेंट जो भी आपके एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि अलग अलग एलिमेंट्स है ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है हाइड्रोजन है कार्बन है जो भी ये एलिमेंट्स होते हैं इनके लिए हमेशा एंथालपी चेंज आपको ज़ीरो होता है देखो जब भी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे ना तो आप न्यूमेरिकल में सॉल्व तो सब सिस्टमेटिकली करोगे बट एक स्टेज के बाद है ना आप अटक जाते हो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपको आधी अधूरी अधन ही पता होती है आपको ये पॉइंट्स पता ही नहीं होते अगर ये पॉइंट्स नहीं पता तो आपको न्यूमेरिकल में फॉर्मूला भी आता हो ना तब भी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते हो क्योंकि हमें ये वाले पॉइंट्स नहीं पता है तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग में ये वाली चीज़ फिट कर लेनी है कि जो भी डेल्टा एज होता है एलिमेंट्स के लिए वो ज़ीरो होता है कभी भी आपको कोई भी न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में आएगा तो वहाँ पे यह चीज़ गिवन नहीं रहती है हमें अपना लॉजिक और हमें अपने कंसेप्ट को यूज़ करके वहाँ पे इसको ज़ीरो लिखना पड़ता है जैसे कि अगर आपको आ जाए डेल्टा एच ऑफ़ कार्बन तो कार्बन क्या है एक एलिमेंट है तो इसका क्या हो जाएगा ज़ीरो अगर आपको आ जाए डेल्टा एच ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन एक गैस है है ना ने भी एक एलिमेंट है इसका भी क्या हो जाएगा ज़ीरो अगर आपको आ जाए डेल्टा एच ऑफ ऑक्सीजन इसका भी क्या हो जाएगा ज़ीरो अगर आपको आ जाए डेल्टा एच ऑफ एच टू इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो इन शॉर्ट मैंने यहाँ पे क्या देखा मैंने यहाँ पे ये देखा कि अगर आपको डेल्टा एच किसी एटम का आ जाए मतलब ये किसी एलिमेंट का आ जाए तो आप उसको ज़ीरो लिखोगे ठीक है दूसरी चीज़ मैंने जो यहाँ पे ये बताई है वो ये है कि अगर आपको एक एटम उसके ही एटम के साथ बॉन्डेड है जैसे कि आपने देखा नाइट्रोजन अगर मैं बात करूँ एंटो की तो इसमें क्या है एक नाइट्रोजन किसी दूसरे नाइट्रोजन के साथ ही तो अटैच है तो इसलिए इसका क्या आया है ज़ीरो अगर मैं ले लूँ ऑक्सीजन तो यहाँ पे क्या हुआ है एक ऑक्सीजन किसी दूसरे ऑक्सीजन के साथ ही तो अटैच है ये भी है ऑक्सीजन ये भी ऑक्सीजन ये दोनों के दोनों कैसे है सेम इसलिए इसका वैल्यू क्या आया जीरो अगर आपका आ जाए H2 तो मैंने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ अटैच है यहाँ पे भी दोनों के दोनों कैसे है सेम इसलिए इसके भी डेल्टा इसका वैल्यू क्या रहेगा ज़ीरो ठीक है तो आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है कि कोई भी अगर एलिमेंट आ जाए या आपको कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिसमें जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ ही अटैच है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ ही है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ ही है तब आपका डेल्टा एच का वैल्यू क्या रहता है जीरो याद रखना है इस चीज़ को सबसे काम का पॉइंट है ये अगर हमें ये पॉइंट नहीं पता ना हंड्रेड परसेंट हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल नहीं कर सकते मैं लिख के देती हूँ ठीक है इस पॉइंट को समझ लो इस पॉइंट को मैंने आपको ब्रीफली ऐसा बताया है अगर कोई चीज़ अपने खुद के साथ ही अटैच है तो उसकी एंथेल्पी चेंज क्या रहती है ज़ीरो चलिए देखते हैं आगे के पॉइंट्स को ठीक है ये जो होता है ये आपकी स्टैंडर्ड एंथल्पी होती है ये सारे के सारे आपके स्टैंडर्ड एंथल्पी क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड स्टेट में कंसिडर कर रहे हैं ठीक है अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आपका ये वाला कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको डेल्टा एच निकालना है डेल्टा एच निकालना है लेटेस्ट से आपको रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना है वो भी स्टैंडर्ड वाला ठीक है तो उसी का मतलब क्या होगा देखना है आपको जो भी समेशन होता है डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट प्लस डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट ठीक है तो ये होता है आपका फॉर्मूला हर जगह पे जब भी आपको पेपर में डेल्टा एच ऑफ़ रिएक्शन पूछा जाए या आपको डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन पूछा जाए स्टैंडर्ड स्टेट में तो आपको हमेशा यही फार्मूले को यूज़ करना है पहला रहता है समेशन ऑफ़ डेल्टा एच ऑफ़ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ़ डेल्टा एच ऑफ़ रिएक्टेंट आपको ये वाली चीज़ पता होनी चाहिए ठीक है देखेंगे कैसे इसको अप्लाई करेंगे हम लोग अगर सपोज़ मैंने आपको कोई रिएक्शन दे दिए लेटेस्ट से ये जो ए है ये बी के साथ रिएक्ट होता है और ये आपको देता है सी प्लस डी ए ने बी के साथ रिएक्ट किया और उसने आपको दिया है सी प्लस डी इनके आगे मैं इनकी स्टॉय लिख देती हूँ लेटर से यह ए यह बी यह सी यह डी ठीक है A, ये छोटा ए छोटा बी छोटा सी छोटा डी ये, ये कस कैसे आए जब मैंने रिएक्शन को बैलेंस करवाया क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी हम लोग कोई भी कैलकुलेशन करेंगे सबसे पहले क्या काम करने का है सबसे पहले आपको सारे के सारे रिएक्शंस को बैलेंस करने का है ठीक है तो बस मैंने वही काम किया है सारे के सारे रिएक्शन को बैलेंस कर दिया तो इनके आगे कुछ ना कुछ नंबर आ गए ठीक है तो ये जो ए ए छोटा 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 बी सी डी नंबर से कुछ ना कुछ ठीक है तो रिएक्शन कैसी है मेरी बैलेंस रिएक्शन तो यहां मैं लिख देती हूँ बैलेंस्ड रिएक्शन अब देखेंगे आगे आगे मुझे ये कहना है कि अगर हम लोग निकालते हैं डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इसका मतलब क्या होता है डेल्टा एच ऑफ़ रिएक्शन का मतलब होता है पहले प्रोडक्ट फिर होता है रिएक्टेंट ठीक है ध्यान से देखना मैंने यहाँ पे ये जाना कि सबसे पहला अगर मैं देखूँ ना तो जो भी राइट right साइड वाले होते हैं इनको मैं क्या बोलती हूँ प्रोडक्ट जो भी लेफ्ट साइड वाले होते हैं इनको मैं क्या बोलती हूँ रिएक्टेंट जब भी आपको डेल्टा एच ऑफ़ निकालना है रिएक्शन का तो उसका मतलब क्या होता है समेशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ़ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ़ रिएक्टेंट तो सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट को लिखेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे सी इन डेल्टा एच ऑफ सी प्लस डी इंटू डेल्टा एच ऑफ डी ठीक है यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम लोग ए इंटू डेल्टा एच ऑफ ए प्लस बी इंटू डेल्टा एच ऑफ बी तो मैंने यहाँ पे इन द सेंस सिर्फ एक ही चीज़ जानी ध्यान से देखना है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने जो रिएक्शन लिखी है सबसे पहले आपने रिएक्शन को बैलेंस कर दिया अब फार्मूला क्या होता है फार्मूला मेरा ये कहता है कि जो भी डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन होता है उसी का मतलब होता है समेशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट समेशन तो समेशन का मतलब क्या हुआ कि जितने भी प्रोडक्ट रहेंगे आप उनका क्या लोगे सम क्योंकि इसका नाम क्या है समेशन इसलिए मैंने क्या लिया है सम ठीक है जब भी रिएक्शन को लोगे तो स्ट्राइक्योमैट्री को लेना नहीं भूलना है अगर आप स्ट्रोक्योमैट्री को लेना भूल गए ना तो सारी चीज़ें गड़बड़ी हो जाएंगी इसीलिए मैंने कहा था कि रिएक्शन बैलेंस होना बहुत जरूरी है अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं रहेंगी तो क्या ये स्ट्राइक्योमैट्री सही आएगी नहीं बीच में किसका साइन है माइनस समेशन समेशन मतलब सम ऑफ डेल्टा एच ऑफ रिएक्टन इसलिए मैंने रिएक्टन का जब डेल्टा एच लिया है तो उनका भी क्या किया है सम क्योंकि यहाँ पे क्या है समेशन ठीक है यहाँ पे भी उनकी स्ट्राइक्योमैट्री जो रहती है उससे उनको मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो ले लो इस चीज़ का स्क्रीन इसका हर जगह पर हर न्यूमेरिकल में आपको यूज पड़ेगा चलिए अब हम लोग देखते हैं आपके नेक्स्ट वाले पार्ट को जो है न्यूमेरिकल सबसे पहले न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल है आपका प्रॉब्लम नंबर 4.10 जिसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वो न्यूमेरिकल में ये सारी चीज़ें का यूज़ होगा जो अभी हम लोगों ने जाना कि जो भी डेल्टा एच होता है एलिमेंट का ज़ीरो होता है जो भी आपका डेल्टा एच रिएक्शन का निकालते हो आप लोग वो आप लोग इस फॉर्मूले से निकालते हो वो सारी चीज़ों का अभी उस न्यूमेरिकल में आपको यूज़ होगा ठीक तो है सो देखते हैं उसको न्यूमेरिकल को देखते हैं न्यूमेरिकल है आपका प्रॉब्लम नंबर फोर पॉइंट वन जीरो प्रॉब्लम फोर पॉइंट वन जीरो ठीक है ये कहता है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपको पूछा गया है टू फाइंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ठीक है सबसे पहले तो हमें लिखते आना चाहिए देखो जीरो जो होता है ऊपर में जब भी हम जीरो लगाते हैं या तो फिर नॉट लगाते हैं उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं तो आपको अगर आपने नॉट नहीं लगाया है तो वो मेंशन हो जाएगा गलत पेपर में तो आपको नॉट का ध्यान रखना है ठीक है स्टैंडर्ड एंथालपी ऑफ रिएक्शन स्टैंडर्ड मतलब क्या हुआ कि ये स्टैंडर्ड स्टेट में एंथलपी मतलब एच और रिएक्शन मतलब आर तो ये हुआ आपका स्टैंडर्ड एनथालपी ऑफ रिएक्शन जो आपको कैलकुलेट करना है देखते क्या क्या दे रखा है आपको उन्होंने एक रिएक्शन दे रखी है तो वो रिएक्शन कहती है ट्वाइस ऑफ सी टू एच सिक्स यह आपको रिएक्शन दे रखी है क्वेश्चन में ही प्लस सेवन ओ टू गिवस फोर सी ओ टू प्लस सिक्स पानी ठीक है यहाँ पे आपको दे रखा है गैस स्टेट में ये भी है गैस में ये भी है गैस में और ये है आपके लिक्विड फॉर्म में ठीक है साथ ही साथ आपको डेल्टा एच के वैल्यूज भी दे रखे हैं तो डेल्टा एच का जो वैल्यू आपको दे रखा है वो ये है डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी ओ टू का आपको वैल्यू दे रखा है माइनस थ्री नाइन्टी थ्री पॉइंट फाइव ठीक है साथ ही साथ आपको डेल्टा एच एफ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पानी का वैल्यू दे रखा है माइनस टू एटी फाइव पॉइंट एट साथ ही साथ आपको डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी टू एच सिक्स का वैल्यू दे रखा है माइनस एटी फोर पॉइंट नाइन तो ये वैल्यूज आपको उन्होंने डेल्टा एच एफ के दे रखे मतलब ये है आपके स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देखो सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे तो एग्जामिनर के ऊपर भरोसा मत करना कि उसने आपको रिएक्शन बैलेंस ही करके दी है सबसे पहले अपने कंफर्मेशन के लिए एक बार रिएक्शन को चेक कर लो कि रिएक्शन सच में बैलेंस भी है या नहीं है या एग्जामिनर ने आपके साथ में चालाकी की है ठीक है तो सबसे पहले चेक कर लो कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है बिल्कुल आपको वैसे ही देखना है कि जैसे यहाँ पे कार्बन है दो और यहाँ पे है दो यहाँ पे कार्बन है चार टू टू ज़ार फोर होता है यहाँ पे भी फोर कार्बन है मतलब कार्बन बैलेंस है फिर आप देख सकते हो हाइड्रोजन को हाइड्रोजन आपने ये देखा कि यहाँ पे सिक्स है सिक्स टू ज़ार ट्वेल्व होता है यहाँ पे हाइड्रोजन देख लो कितने सिक्स टू जै ट्वेल्व हाँ तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि ये रिएक्शन कैसी है बैलेंस बट अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो सबसे पहले आपको रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा ठीक है चलिए देखते आगे आगे मेरा पॉइंट ये कहता है कि जो भी आपका डेल्टा एच एफ होता है ना जो भी आपका डेल्टा एच होता है रिएक्शन का वो भी स्टैंडर्ड स्टेट में एंथलपी चेंज ऑफ रिएक्शन इन द स्टैंडर्ड स्टेट इसी का मतलब होता है समीशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट इन द स्टैंडर्ड स्टेट माइनस summation ऑफ डेल्टा एच ऑफ reactant इन द स्टैंडर्ड स्टेट ठीक है यही फॉर्मूले को अभी हम लोगों ने देखा था तो चलिए आगे बढ़ते हैं आगे मेरा पॉइंट ये कहता है कि अगर मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी ध्यान से देखना मैं इसको कैसे लिखूंगी पहले सबसे पहले लिखेंगे प्रोडक्ट का बीच में है माइनस साइन तो माइनस साइन फिर हम लोग लिखेंगे रिएक्शन का ठीक है देखेंगे इस चीज को समेशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट आपके कौन से कौन से जो भी एरो के राइट right साइड में आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रोडक्ट ध्यान से देखना सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फोर इंटू डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी ओ टू ठीक है प्लस सिक्स इंटू डेल्टा एच एफ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पानी ठीक है आपको याद रखना है स्टॉइक्योमेट्री लिखते वक्त नहीं भूलना है अगर ये भूल गए ना तो भूल जाओ कि मार्क्स कुछ भी मिलेंगे पूरा का पूरा अंडा मिलेगा ठीक है देखते आगे यहां मैंने प्लस क्यों लिखा है क्योंकि यहाँ समेशन है ठीक है अब देखेंगे रिएक्टेंट रिएक्टेंट में आपके जो भी एरो के लेफ्ट साइड में आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं रिएक्टेंट तो इसको कैसे लिखेंगे टू इंटू डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी टू एच सिक्स प्लस सेवन इंटू डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओ टू ठीक है ये चीज याद रखनी है स्टॉइक्योमेट्री मत भूलना बीच में समेशन इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ है बीच में का साइन नेगेटिव चलिए वैल्यू इसको पुटअप करेंगे फोर इंटू डेल्टा एच ऑफ सी ओ टू सी ओ टू का वैल्यू कितना है माइनस थ्री नाइन्टी थ्री पॉइंट फाइव माइनस थ्री नाइन्टी थ्री पॉइंट फाइव याद रखना है अगर आप साइन को भूल गए ना तो गए काम से साइन जो माइनस है तो आपको माइनस ही लिखना है अगर एक साइन भी आपने ये प्लस कर दिया ना तो पूरा का पूरा आंसर गलत आएगा एक साइन भी अगर प्लस का माइनस हो गया तो कैलकुलेशन पूरा गलत हो जाएगा ठीक है प्लस सिक्स इंटू डेल्टा एच ऑफ सी ओ टू का वैल्यू वाटर का वैल्यू कितना है माइनस टू टू एटी फाइव पॉइंट एट माइनस टू एटी फाइव पॉइंट एट माइनस ठीक है देखेंगे आगे यहाँ पे ही टू इंटू डेल्टा एच ऑफ सी टू एच सिक्स सी टू एच सिक्स का वैल्यू कितना दे रखा है माइनस एटी फोर पॉइंट नाइन प्लस सेवन इंटू अब आपके दिमाग में तो क्वेश्चन ये आया होगा कि यहाँ पे तो ऑक्सीजन का वैल्यू नहीं दिया है तो भूलो मत मैंने आपको अभी एक चीज़ बताया था जब भी कोई भी चीज़ एलिमेंटल स्टेट में आ जाए जैसे कि N2, O2, H2, जिसमें वो चीज़ अपने खुद के साथ ही अटैच होती है उसका वैल्यू क्या आता है ज़ीरो क्या क्वेश्चन में दिया है नहीं आपको याद रखना है ठीक है तो आप इस चीज़ को बराबर तरीके से मल्टीप्लाई करोगे मुझे लगता है कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ईजी है और आपका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा तो वो वैल्यू देख लेते क्या आएगा थ्री वन वन नाइन किलोजुल वो भी नेगेटिव साइन के साथ तो आपको बराबर साइन को देखना है जब भी आप एडिशन सब्सट्रैक्शन कर रहे हो तो ले लो इस चीज़ का स्क्रीन काम के पॉइंट्स क्या थे काम के पॉइंट्स यहाँ पे जो थे वो ये थे कि आपको ये बात याद रखना है कि एलिमेंट का जीरो होता है और आपको साइन की तरफ ध्यान देना है लिखते वक्त ठीक है ले लो स्क्रीन चलिए अब क्या होता है ना अब हम लोग को देखना है स्टैंडर्ड एंथरपी ऑफ कम्बशन को लेकिन स्टैंडर्ड एंथरपी ऑफ कम्बन को देखने से पहले हमें हम लोगों को पता होना चाहिए कि कम्बशन में एक्चुअली होता क्या है क्योंकि अगर हमें वही नहीं पता कि कम्बशन का मीनिंग क्या होता है तो हम लोग को अभी तो नहीं हर जगह पे प्रॉब्लम जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी प्रॉब्लम जाएगी इससे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कम्बशन वाली चीज एक्चुअली होती क्या है तो अगर बेसिक क्लियर हो गया तो स्टैंडर्ड एंटॉल भी समझना बहुत आसान हो जाएगा सो लेट सी कम्बशन कंबसन को देखते तो सबसे पहली बात तो मुझे यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि जो कंबस होता है ना कंबशन कंबोशन का मतलब ही होता है बर्निंग कहीं पे आपको कंबशन दिया जाता है कहीं पे आपको बर्निंग दिया जाता है तो हमें पता होना चाहिए कि कंबशन और बर्निंग तो सेम है चलो मुझे ये तो पता चल गया कि कंबशन का मतलब ही बर्निंग होता है बट मुझे अभी भी नहीं पता ना कि कंबशन और बर्निंग होता क्या है तो अब देखेंगे इसका मतलब होता है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन रिएक्शन विथ ऑक्सीजन जब भी आपको आपको कहीं पे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन दिया जाएगा कहीं पे आपको बर्निंग दिया जाएगा कहीं पे आपको कम्बसन दिया जाएगा आपको याद रखना है ये तीनों के तीनों चीज़ एक्चुअली क्या है सेम कहीं पे भी कंबेशन दिख जाए तो आपको रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ ही करवानी है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है आपका कम्बसन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स नेक्स्ट पॉइंट कहता है कम्बशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स सबसे पहली बात तो ये है कि हमें पता होना चाहिए हाइड्रोकार्बन्स है क्या होते हैं तो ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ़ और सिर्फ होता है कार्बन और हाइड्रोजन उनका नाम क्या होता है हाइड्रोकार्बन क्योंकि इसका नाम ही अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो आपको यहाँ पे दिख रहा है हाइड्रोजन और कार्बन इसलिए इनका नाम क्या है हाइड्रोकार्बन तो ऐसे कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही होता है इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है तो वो कंपाउंड होते हैं आपके हाइड्रोकार्बन जैसे कि मीथेन इथेन ब्यूटेन प्रोपेन पेंटेन ये सारे आपके क्या रहते हैं हाइड्रोकार्बन्स देखेंगे इनके कम्बसन को अब क्या होता है ना जब भी आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हो या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कोई भी रिएक्शन को करते हो ना तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है हम लोग को वहाँ दिया जाता है कम्बसन ऑफ इथेन या कम्बशन ऑफ मिथिन तो हम लोग कर ही नहीं पाते क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें पता ही नहीं होता है कि कम्बसन क्या होता है तो अब आपको आज से कसम खाना है और याद रखना है कि कम्बशन ऑफ हाइड्रोकार्बन कहीं पर भी आ जाए कोई भी हाइड्रोकार्बन आ जाए तो आपको हमेशा दो ही प्रोडक्ट बनाने हैं हमेशा ये चीज़ की आज कसम खा लो ठीक है देखते हो उसको कहना मुझे ये है कि जब भी आप किसी भी हाइड्रोकार्बन को लेते हो ना जब आप किसी भी हाइड्रोकार्बन को लेते हो ना तो अगर आप उसके अंदर में डालते हो ऑक्सीजन को क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है कम्बसन कम्बसन का मतलब क्या होता है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन तो हमेशा आपके दो ही प्रोडक्ट बनते हैं एक बनता है सी एक बनता है पानी ठीक है वो बात अलग है कि ये भी यहाँ पे एन टाइम्स बनेंगे ये भी यहाँ पे एन टाइम्स बनेंगे कुछ भी हो सकता है वो एन क्योंकि हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे वैल्यू आएगा ना बट आपको याद क्या रखना है कि जब भी आप हाइड्रोकार्बन के अंदर में ऑक्सीजन को डालते हो तो हमेशा आपकी दो चीज़ें बनती है एक बनती है आपकी सी और एक बनती है आपकी पानी इसको भूलना नहीं है हमेशा चाहे आप यहाँ पे मीथेन लो हम लोग देख लेते एक बार अगर मैंने लिया है मीथेन को मीथेन में डाला है ऑक्सीजन को तो यहाँ पे भी क्या बनेगा सी ओ टू प्लस पानी ठीक है क्योंकि ये भी क्या है हाइड्रोकार्बन अगर मैंने लिया सी टू एच सिक्स को इसमें भी डाला ऑक्सीजन को तो हमारा क्या बनता है यहाँ पे भी बनेगा आपका सी ओ टू प्लस पानी ले लो आप इसको सी थ्री एच एट को ले लो इसमें भी डालेंगे ऑक्सीजन तो आपको क्या मिलेगा सी ओ टू प्लस पानी ठीक है ये बात पक्के से पता होनी चाहिए अगर आपको ये चीज़ ही नहीं पता तो आप नहीं कर सकते हो कंबसन करने के बाद मतलब ही रिएक्शन विथ ऑक्सीजन करने के बाद सी प्लस पानी बनता है चलिए करते हैं रिएक्शन को बैलेंस क्योंकि बैलेंसिंग नहीं आती है ना बैलेंसिंग को करते वक्त आपको सबसे पहले तो याद रखना है कि सबसे पहले आप बैलेंस करोगे फर्स्टली बैलेंस सबसे पहले आपको बैलेंस किसको करना है फर्स्टली बैलेंस कार्बन आपको सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करना है Secondly बैलेंस secondly बैलेंस हाइड्रोजन लास्टली बैलेंस्ड लास्टली बैलेंस ऑक्सीजन तो आपको ये चीज को याद रखना है कि सबसे पहले आप हमेशा कार्बन को बैलेंस करेंगे फिर हाइड्रोजन को और लास्ट में आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है आप पहले कभी भी ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करोगे तो आपको कसम खानी है कि जब भी आप हाइड्रोकार्बन्स को मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं जब भी उसका आप कंबशन करवाओगे मतलब भी रिएक्शन में तो ऑक्सीजन कराएंगे तो सी ओ टू प्लस पानी बनेगा और रिएक्शन को बैलेंस करते वक्त ये स्टेप्स को याद रखना है चलिए देखते हैं अगर मैंने ध्यान से देखूँ तो यहाँ पर आपका कार्बन है एक इसलिए यहाँ पर मैंने एक लगाया है ठीक है तो कार्बन मेरा बैलेंस हो गया अब देखेंगे हाइड्रोजन को हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं चार यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं दो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपके हाइड्रोजन चार है राइट right साइड में आपके हाइड्रोजन दो है तो मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब ये भी क्या हो जाएगा टू टू जार फोर तो लेफ्ट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन चार राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन चार लास्ट में किसको बैलेंस करना है ऑक्सीजन को ऑक्सीजन यहाँ पे कितने दो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे हुआ वन टू जार टू टू वन जार टू मतलब यहाँ पे हुआ टू यहाँ पे हुआ टू ठीक है देखो ध्यान से वन टू जार टू वन जार टू तो टू प्लस टू टोटल ऑक्सीजन कितने हुए चार और यहाँ पे तो ऑक्सीजन दो ही है इसलिए मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन को दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ठीक है देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को नेक्स्ट रिएक्शन रहेगी आपकी ये वाली इसमें मैंने यहाँ पे ये यह देखा कि सबसे पहले हमें कार्बन को बैलेंस करना है तो यहाँ पे कार्बन है दो और यहाँ पे कार्बन कितने एक मतलब सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ठीक है कर दिया कार्बन हो गया बैलेंस देखना है, है हाइड्रोजन को लेफ्ट साइड में आपके हाइड्रोजन है सिक्स और राइट right साइड में हाइड्रोजन कितने टू तो अगर लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन आपके सिक्स है और राइट right साइड में आपके हाइड्रोजन दो है तो मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके ये भी थ्री टू जार कितने हो जाएंगे सिक्स ये भी सिक्स तो ये दोनों क्या हो गए बैलेंस लास्ट में आपको किसको बैलेंस करना है ऑक्सीजन को लेफ्ट हैंड साइड में आपकी ऑक्सीजन है दो बट राइट हैंड साइड में कितने हैं टू टू जार फोर थ्री वन जार थ्री ठीक है टू टू ज़ार फोर थ्री वन जार थ्री फोर प्लस थ्री कितना होता है सेवन मैं यहाँ पे लिखूँगी सेवन बाई टू ठीक है आपको ये चीज़ों को भूलना नहीं है फोर प्लस थ्री कितना होता है सेवन है ना तो आप इस सेवन को कैसे लिखोगे आपको याद रखना है यहाँ पे आपका सेवन आ रहा है ठीक है अब मैं इस सेवन को कैसे लिखूंगी सेवन बाई टू के टर्म्स में क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं दो तभी जाके आपकी जो रिएक्शन है वो कैसे रहेंगी बैलेंस ठीक है जनरली आप इतना समझ लो कि अगर कभी ऑड नंबर आ गए ना तो हम लोग डिवाइडेड बाई टू के फॉर्म में लिखते हैं ये रट्टा नहीं मानना है फोर प्लस थ्री कितना होता है सेवन अब मैं सेवन तो एक ऑड नंबर है इसलिए मैंने इसको टू से डिवाइड कर दिया है ठीक है देखेंगे आगे ये यहाँ पे कार्बन है आपके तीन तो यहाँ पे कार्बन को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तीन से ठीक है नेक्स्ट थिंग हाइड्रोजन कितने आठ यहाँ पे हाइड्रोजन कितने दो मतलब मुझे यहाँ पे कितने नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फोर फोर टू ज़ार एट एट अब लास्टली किसको बैलेंस करना है ऑक्सीजन को ऑक्सीजन है यहाँ पे दो यहाँ पे कितने थ्री टू ज़ार सिक्स फोर वन ज़ार फोर सिक्स प्लस फोर कितना होता है टेन तो मैं यहाँ पे कैसे लिख सकती हूँ फाइव ठीक है याद रखना है टू प्लस टू कितना होता है फोर फोर कैसा नंबर है इवन इसलिए मैं यहाँ पे टू लिख सकती हूँ यहाँ पे सिक्स प्लस फोर कितना होता है टेन टेन कैसा नंबर है इवन इसलिए मैं यहाँ फाइव लिख सकती हूँ क्योंकि ये टू टाइम्स है जब मैं बात कर रही हूँ इसकी फोर प्लस थ्री सेवन होता है तो मैं यहाँ पे सेवन को कैसे लिखूँ थ्री पॉइंट फाइव तो नहीं लिख सकते इसलिए मैंने इसको टू से डिवाइड कर दिया क्योंकि 7 है क्योंकि सेवन कैसा नंबर है ऑट नंबर है ठीक है ले लो इस चीज़ का स्क्रीन ठीक है अब हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड एनथल्प ऑफ कम्बोशन को ये था उसके रिगार्डिंग बेसिक इन्फॉर्मेशन ये बैलेंसिंग का काम आपको न्यूमेरिकल में आएगा तो नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड एंथाली ऑफ कंबशन सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर इसको समझते यहां पर रहेगा आपका एंथाल चेंज दैट ऑकर्स when one mole of a substance is oxidized when mo one mole of a substance is oxidized is called in standard state when one mole of a substance in standard state is oxidized Is called as enthalpy ऑफ combustion चलिए समझ लेंगे इस चीज को तो नेक्स्ट पार्ट कहता है एंथल्पी ऑफ कंबशन अगर मैं ध्यान से देखूं ना तो मैंने यहां पे यह जाना कि इसका नाम ही है एंथल्पी ऑफ कंबशन और कंबशन का मतलब मैंने आपको अभी बता दिया क्या होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन वही आपका कंबशन होता है तो जो भी आपका एंथलपी चेंज हो रहा है ठीक है जब वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस स्टैंडर्ड स्टेट में अगर मैं उसका क्या करवा रही हूं ऑक्सीडेशन फिर से देखो जो भी एंथाली चेंज हो रहा है जब वन मोल वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस कैसे स्टेट में स्टैंडर्ड स्टेट में अगर उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऐसे रिएक्शन को मैं क्या बोलती हूँ स्टैंडर्ड ऐसे एंथलपी चेंज को मैं क्या बोलती हूँ स्टैंडर्ड एंथालपी ऑफ कंपेशन मतलब एक ऐसा एंथालपी चेंज जो हो रहा है जब वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस का जो कि स्टैंडर्ड स्टेट में है अगर मैं उसका करवा रही हूँ ऑक्सीडेशन यानी कि कंबशन तो ऐसे चीज़ को मैं क्या बोलती हूँ स्टैंडर्ड एंथालपी ऑफ कंबसन मतलब एंथालपी चेंज जो हो रहा है जब वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस को जो कि स्टैंडर्ड स्टेट में अगर मैं उसको ऑक्सीडाइज करती हूँ मतलब उसका क्या करती हूँ कंबसन तो ऐसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथालपी ऑफ कंबसन ठीक है चलिए देखेंगे आगे काम की बात ही यहाँ पर भी आपको वही चीज़ याद रखनी है कि हाइड्रोकार्बन अगर लिया है और हाइड्रोकार्बन में अगर डाला है ऑक्सीजन मतलब ये क्या हुआ है कम्बशन तो हमेशा आपकी दो ही चीज़ें बनती है एक होता है सीओ और एक होता है पानी दोनों के दोनों आपके एन टाइम्स होते हैं डिपेंड करता है रिएक्शन के बैलेंसिंग के ऊपर में यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद रखना है कि फर्स्टली बैलेंस द रिएक्शन फर्स्टली बैलेंस द रिएक्शन अगर आपके रिएक्शन बैलेंस ही नहीं है ना तो ये आप नहीं कर पाओगे ठीक है रिएक्शन को बैलेंस करना है अब देखो हाइड्रोकार्बन का अगर मैं बात करूँ ना तो हाइड्रोकार्बन में एग्जामिनर आपको ज़्यादा बड़े हाइड्रोकार्बन नहीं दे सकता है एक तो वो मिथेन देगा हुँ? एक तो वो आपको मिथेन देगा मतलब सी एच फोर देगा या तो वो आपको इथेन देगा सी टू एच सिक्स देगा या तो वो आपको सी थ्री एच एड देगा वो आपको ब्यूटेन पेंटेन बहुत रेयर केसेस में देता है देगा ही नहीं क्योंकि अगर वो वहाँ देगा तो आपका बैलेंसिंग में टाइम कम जाएगा तो वहाँ पर रिएक्ट एग्जामिनर को भी समझना है इसलिए एग्जामिनर एक तो मीथेन देता है इथेन देता है या प्रोपेन देता है कैलकुलेशन के लिए तो इनका बैलेंसिंग मैंने आपको पहले ही समझा दिया तो समझ गया ना चलिए अब देखते हैं इसके न्यूमेरिकल को चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल्स को न्यूमेरिकल है आपका बिल्कुल यही चीज़ों के ऊपर बेस जिसका नाम है प्रॉब्लम नंबर 4.11 प्रॉब्लम 4.11 को हम लोग देख रहे हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में है पेज नंबर 78 पर प्रॉब्लम फोर ठीक है देखते पढ़ते इसको एस्टिमेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी आपको याद रखना है अगर आपको कहीं पे आ जाए एस्टिमेट या आपको कहीं पे आ जाए कैलकुलेट या आपको कहीं पे आ जाए कंप्यूट ठीक है तो आपको याद रखना है कि इनका मीनिंग सेम होता है हु? ये कोई बताता नहीं है फिजिक्स में आप बहुत जगह पे कंप्यूट देखोगे कैलकुलेशन आपको नहीं दिखेगा कंप्यूट दिखेगा तो आपको वहां पे याद रखना है कि ये तीनों चीजें क्या होती है सेम चलिए बढ़ते आगे एस्टिमेट द स्टैंडर्ड एंथलपी ऑफ कम्बशन आपको क्या निकालना है स्टैंडर्ड एंथाली ऑफ कम्बशन जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ते हो ना तो सबसे पहले अपनी आँखों को खोलो और देखो कि वहाँ पर स्टैंडर्ड एंथलपी ऑफ फॉर्मेशन पूछा गया है या स्टैंडर्ड एंथाल ऑफ कम्बशन पूछा गया है ठीक है तो आपको पूछा गया है स्टैंडर्ड एंथलपी ऑफ कम्बशन इसलिए मैंने यहाँ पे सी लिखा है देखो एंथलपी मतलब एच स्टैंडर्ड मतलब ऊपर में नॉट कम्बशन मतलब सी ये आपको पूछा गया है आपको दे रखा है डेल्टा एच एफ ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ सी एच फोर आपको मीथेन का वैल्यू दे रखा है माइनस सेवेंटी फोर पॉइंट एट ठीक है उसके बाद आपको दे रखा है डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी ओ टू सी ओ टू का वैल्यू आपको दे रखा है जिसका वैल्यू दे रखा है माइनस थ्री नाइन्टी थ्री पॉइंट फाइव उसके बाद आपको डेल्टा एच एफ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पानी दे रखा है जिसका वैल्यू है माइनस टू एटी फाइव पॉइंट एट ठीक है माइनस थ्री नाइन्टी थ्री पॉइंट फाइव माइनस सेवेंटी फोर पॉइंट एट सबसे पहले काम की बात तो याद ही है ये रखना है कि जब भी आपको कंबशन का प्रॉब्लम आएगा पेपर में तो रिएक्शन कभी भी दी नहीं जाएगी आपको खुद ही अपने लिए रिएक्शन लिखनी है आपको खुद ही अपने लिए बैलेंस करना है और फिर ही न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का ठीक है इतना दिमाग में फिट कर लो याद रखना है आपको वो ऐसा नहीं पूछेगा कि बेटा कम्बशन ऑफ मिथिन निकालो कम्बसन ऑफ इथेन निकालो ऐसा कुछ नहीं आने वाला आपको वहाँ पे अपना दिमाग यूज़ करके अप्लाई करना है कि कम्बसन किसका होने वाला है देखो यहाँ पे यहाँ पे आपको दे रखा है मिथिन इसका मतलब यहाँ पे कम्बशन किसका होने वाला है मिथिन का ठीक है क्योंकि हाइड्रोकार्बन का ही तो कम्बशन होता है ना क्या ये हाइड्रोकार्बन है नहीं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन आ रहा है क्या ये हाइड्रोकार्बन है नहीं बट ये हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन ही है तो सबसे पहले रिएक्शन को लिखेंगे देखो इधर कैसे लिखेंगे ये है आपकी मीथेन आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब भी आप हाइड्रोकार्बन लेते हो और जब भी उसका कंबशन करवाते हो मतलब ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन तो हमेशा क्या बनता है आपने कसम खाई थी क्या बनता है आपका बनता है सी ओ टू प्लस पानी सबसे पहला काम क्या करने का है रिएक्शन को बैलेंस चलिए देखते यहाँ पे कार्बन है एक यहाँ पे भी कार्बन है सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करते फिर किसको करते है? फिर हाइड्रोजन को यहाँ पे हाइड्रोजन है चार बट यहाँ पे हाइड्रोजन तो दो ही है मतलब मुझे यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो यहाँ पे भी चार यहाँ पे भी चार मैंने आपको सिखा दिया बैलेंसिंग सबसे लास्ट में हमेशा किसको बैलेंस करना है ऑक्सीजन को यहाँ पे ऑक्सीजन है दो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने टू प्लस टू टू प्लस टू कितना होता है चार तो मुझे यहां पे दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके टू टू जार ये भी क्या हो जाएगा चार समझ में आया फर्स्टली बैलेंस कार्बन सेकेंडली बैलेंस हाइड्रोजन एंड लास्टली बैलेंस ऑक्सीजन लास्टली बैलेंस ऑक्सीजन याद रहेगा ठीक है टू प्लस टू कितना हुआ चार इसलिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया दो से चलिए देखेंगे आगे अब तो कुछ भी बचा ही नहीं है सब कुछ हो गया है चलिए देखते हैं तो हमारा ये क्या कहता है कि डेल्टा एच ऑफ कम्बशन स्टैंडर्ड एनथालपी चेंज ऑफ डेल्टा एच ऑफ कम्बशन इसका भी मतलब क्या रहेगा समेशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट याद रखना है फॉर्मूला चेंज होगा ही नहीं समेशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ कम्बशन का मतलब भी क्या होता है जो फॉर्मेशन का फॉर्मूला होता है ना वही कंबशन का होता है कि डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट ठीक है चलिए करेंगे इसको अगर आगे मैं यहाँ दिखूँ तो सबसे पहले प्रोडक्ट का लिखेंगे माइनस हम लोग लिखेंगे रिएक्टेंट का प्रोडक्ट मतलब वो जो राइट हैंड साइड में आते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसका मतलब यहाँ पे क्या है वन तो मैं लिखूंगी वन इन टू डेल्टा एच ऑफ सी ओ टू डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी ओ टू ठीक है अच्छे से लिखते हैं प्लस यहाँ पे मैंने प्लस क्यों लगाया क्योंकि समेशन है ट्वाइस डेल्टा एच एफ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पानी ठीक है बढ़ेंगे आगे यहाँ पे अगर मुझे लिखना है यहाँ पे क्या है रिएक्टन इसलिए माइनस रिएक्टन यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसका मतलब यहाँ पे क्या है वन वन इंटू डेल्टा एच एफ और फॉर्मेशन ऑफ सी एच फोर इन स्टैंडर्ड स्टेट प्लस क्योंकि यहाँ पे क्या है समेशन टू इंटू डेल्टा एच एफ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओ टू हमेशा जब भी आप लोगे तो आपको याद रखना है कि आपको हमेशा स्टैंडर्ड स्टेट में ही लेने का है सबसे पहली काम की चीज़ दूसरे काम की चीज़ साइन को हमेशा ध्यान देना है तीसरी काम की चीज़ रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए चौथी काम की चीज़ स्ट्रॉक्योमेट्री को साथ में लिखना मत भूलना जो भी एरो के राइट right साइड में आता है उसको क्या बोलते हैं प्रोडक्ट एरो के लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट काम ख़त्म चलिए लिखते हैं आगे यहाँ पे आएगा वन इन डेल्टा एच ऑफ सी ओ टू का वैल्यू कितना दे रखा है माइनस थ्री नाइन्टी थ्री पॉइंट फाइव ठीक है साइन को भूलना नहीं है उसके बाद में है आपका प्लस टू इंटू डेल्टा एच ऑफ पानी का वैल्यू कितना दे रखा है माइनस टू एटी फाइव पॉइंट फाइव टू एटी फाइव पॉइंट एट ठीक है माइनस है ओवरऑल में उसके बाद में है आपका है वन इंटू डेल्टा एच ऑफ सी एच फोर सी एच फोर का वैल्यू कितना दे रखा है माइनस सेवेंटी फोर पॉइंट एट ठीक है प्लस टू इंटू डेल्टा एच ऑफ ऑक्सीजन अब आप वापस से पैनिक हो जाओगे कि ओ टू का वैल्यू तो यहाँ कहीं दिया नहीं है बट आप याद करो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कोई भी एलिमेंट जब अपने खुद के ही साथ अटैच हो जैसे कि ओ टू उसका वैल्यू क्या आता है जीरो आप निकालेंगे इसका और इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा चलिए देखते हैं उस वैल्यू को यहाँ पे आपका वैल्यू आएगा माइनस एट नाइन्टी पॉइंट थ्री तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट ये तो आप कर ही सकते हो साइन को याद रखना है चलिए अब हम लोग देखेंगे बॉन्ड एंथेल्पी वाले कंसेप्ट को वहाँ से भी बहुत सारे न्यूमरिकल्स आते हैं तो वो भी हमें आना चाहिए नेक्स्ट है बॉन्ड एंथेल्पी सबसे पहले तो बॉन्ड एंथेलपी को समझने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन समझनी पड़ेगी ना तो बॉन्ड एंथेल्पी समझेगा नहीं तो पहले हम लोग समझते हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को ठीक है समझते हैं उस चीज़ को नेक्स्ट थिंग ये सबसे पहली चीज़ ये है कि जब भी आप कोई भी लेते हो मॉलिक्यूल को ठीक है मतलब जब भी आप कोई भी मॉलिक्यूल को लेते हो तो आप जब मॉलिक्यूल को तोड़ते हो हाँ मतलब आप जब मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हो मतलब मॉलिक्यूल को तोड़ना तो उससे क्या बनता है उससे हमेशा बनता है एटम यह चीज़ बतानी चाहिए। जनरली जो हम लोग बॉन्ड ब्रेक करते हैं जनरली जो हम लोग बॉन्ड को ब्रेक करते हैं ना वो बॉन्ड मोस्टली आपका कोवलेंट बॉन्ड होता है ये बात आपको याद रखनी है ठीक है तो सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि जब आप किसी भी मॉलिक्यूल को लेते हो उसको ब्रेक करते हो यानी कि आप उसको तोड़ते हो तो हमेशा उससे एटम बनता है दूसरी चीज़ आप जब बॉन्ड को ब्रेक करते हो ना वो बॉन्ड जनरली कौन सा बॉन्ड होता है कोवल बॉन्ड ये बात अगर जिसको समझ गई उसको बॉन्ड एंथाल पी निकालना अपने आप आ गया तो चलिए ये बेसिक को समझकर अब हम लोग देखते हैं बॉन्ड को देखेंगे बॉन्ड को ठीक है देखते हैं सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखती हूँ फिर हम लोग समझते हैं द एंथलपी चेंज द ए चेंज दैट ऑकर्स द एंथलपी चेंज दैट ऑकर्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ड्यूरिंग द सॉरी ड्यूरिंग द ब्रेकिंग ऑफ कोवलन बॉन्ड from one mole of gaseous molecule into gaseous into product into product is called as bond enthalpy चलिए ये तो हुई इसकी डेफिनेशन अब हम लोग समझते हैं इस चीज को ये चीज़ को अगर मैं ध्यान से पढ़ूँगा तो यहाँ पे ये लिखा है इसका नाम ही है बॉन्ड एंथल्पी बॉन्ड एंथल्पी इसका नाम ही है इसका मतलब ये चीज़ आपको क्या बता रही है कि जो भी आपका एंथालपी का चेंज हो रहा है ना जब आप कोई भी कोवलन बॉन्ड को क्या कर रहे हो तोड़ रहे हो जब आप कोई भी कोवलन बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो या कोई भी कोवलन बॉन्ड को तोड़ रहे हो तो जो भी आपकी एंथल्पी चेंज हो रही है ना आप उसको क्या बोलते हो बॉन्ड एंथेल्पी मतलब जो भी एंथाल्पी चेंज हो रही है जब आप किसी भी कोवलन बॉन्ड को तोड़ रहे हो यानी कि ब्रेक कर रहे हो ऑफ वन मोल ऑफ गैशियस मॉलिक्यूल इनटू प्रोडक्ट उसको हम लोग क्या बोलते बॉन्ड एंथालपी यहाँ पे आप एटम्स भी लिख सकते हो चलिए समझते इस चीज़ को समझते पहले कहना मुझे ये है कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है ना हम लोगों ने यहाँ पर वन मोल गैशियस मॉलिक्यूल लिया है गैशियस मॉलिक्यूल और उससे बनाया है आपके एटम्स को ठीक है तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं बॉन्ड एंथलपी याद क्या रखना है याद आपको यहाँ ये यह रखना है कि आपने यहाँ वन मोल लिया है और वो भी क्या लिया है गैसेस। काम की चीज़ ये है कि जब आप मॉलिक्यूल को तोड़ते हो अभी जैसे कि मैंने बेसिक में बताया तभी आपके आइटम्स फॉर्म होते हैं तो जो भी एंथल्पी जो भी चेंज एंथल्पी का हो रहा है जब आप वन मोल कोवलेंट जब आप वन मोल गैशेस मॉलिक्यूल के कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ते हो ब्रेक करते हो इन टू तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बॉन्ड एंथाल्पी ले लो इसका स्क्रीनशॉट अब काम की बात यह है कि जब भी आप बॉन्ड एंथाल्पी का कैलकुलेशन देखोगे ना तो आपको दिमाग में एक चीज़ फिट कर लेनी है कि बॉन्ड एंथलपी को निकालते वक्त आपको हमेशा बॉन्ड्स को स्टेप वाइज मैनर में ही तोड़ने का है ठीक है तो काम की बात यह है कि ऑलवेज ब्रेक ऑलवेज ब्रेक बॉन्ड इन स्टेप वाइज मैनर ऑलवेज ब्रेक द बॉन्ड इन स्टेप वाइज मैनर आपको बॉन्ड को स्टेप वाइज मैनर में ही तोड़ने का है सबसे काम की चीज सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि बॉन्ड को आपको स्टेप वाइज मैनर में ही तोड़ने का है आप ऐसे नहीं कि हड़बड़े में सब तोड़ देंगे एक के एक के बाद एक स्टेप में ही तोड़ने का है ठीक है आप अगर बात कर रहे हो इन पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जब आपके नंबर ऑफ एटम्स जो है वो दो से ज्यादा रहे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं पोली एटोमिक मॉलिक्यूल आपको एवरेज बॉन्ड एंथल्पी ही हमेशा निकालनी है एवरेज बॉन्ड इस एवरेज बॉन्ड ओनली इज कैलकुलेटेड ठीक है ये पॉइंट्स कोई भी आपको पूछने वाला नहीं है पेपर में बट ये पॉइंट आपको याद रखना है अगर आपको ये पॉइंट नहीं पता तो आप चीज नहीं कर सकते हो सबसे काम की चीज़ है कि बॉन्ड को स्टेप वाइज मैनर में ही तोड़ने का है और अगर आपका पॉली एटोमिक मोलिक्यूल है तो आपको एवरेज बॉन्ड एंथल ही कैलकुलेट करना है ले लो उसका भी स्क्रीन शॉर्ट चलिए अब मेरे को ये दोनों पॉइंट तो समझ गए कि सबसे पहले मुझे बॉन्ड को स्टेप वाइज मैनर में तोड़ना है और पॉलीएटॉमिक के केस में मुझे एवरेज बॉन्ड नंथाल निकालनी है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उस चीज़ को तो मैंने यहाँ पे ये जाना कि अगर मैं देख रही हूँ स्टेप वाइज ब्रेकिंग ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल सबसे पहले हम लोग देखेंगे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में मैंने सबसे पहले तो ये जाना कि जो मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम्स दो से ज़्यादा हो जैसे कि पानी इस पर भी नंबर ऑफ एटम्स कैसे दो से ज़्यादा है है ना एच टू ओ मतलब आपका वाटर ठीक है दूसरा अगर मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ सपोज मीथेन मतलब सी एच फोर यहाँ पर भी आप देखते हो कि नंबर ऑफ जो भी आपके एटम्स है वो कैसे हैं दो से ज़्यादा तो ये हुआ आपका पोली एटोमिक मॉलिक्यूल तो मैंने क्या लिखाया था कि जब भी आपके पोलिटोमिक मॉलिक्यूल्स आ जाए आपको हमेशा उसको स्टेप वाइज मैनर में ही तोड़ने का है देखेंगे कैसे सबसे पहले जब मैं लूँगी पानी को तो आप अपनी मर्जी से पानी को नहीं तोड़ सकते आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले आप उसमें से एक हाइड्रोजन को निकालेंगे हमेशा हाइड्रोजन को निकालते हुए तोड़ना है सबसे पहले यहाँ से आपने एक हाइड्रोजन को निकाला तो यहाँ पे क्या बचा यहाँ पे बचा ओ और एक और हाइड्रोजन ठीक है समझ में आया ना हमेशा तोड़ने का मतलब करने का क्या है आपको एक एक हाइड्रोजन को निकालते जाने का है बस काम खत्म ये था पानी यहाँ से मैंने एक हाइड्रोजन को निकाला तो यहाँ क्या बचा ओ एच अब इसको लेंगे ओ OH एच को इस ओएच इस OH से भी हम लोगों को क्या करना है सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एक हाइड्रोजन को तो अब यहाँ क्या बचेगा ऑक्सीजन तो ये था आपका पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल मैंने इसको कैसे तोड़ा स्टेप वाइज मैनर में स्टेप वाइज मैनर मतलब होता क्या है बस हर एक स्टेप में एक एक हाइड्रोजन को निकालते जाने का काम खत्म ठीक है पहले मैंने इससे हाइड्रोजन को निकाला तो ये बचा फिर मैंने इसको यहाँ लिया इससे भी हाइड्रोजन को निकाला हम्म देखेंगे यहाँ पे अगर मुझे यहाँ आ जाए जैसे कि मीथेन ये है आपका सी एच फोर है ना तो इस सी एच फोर को अगर मुझे तोड़ने का है तो ऐसा नहीं कि मैं कैसे भी अपने मन से तोड़ दूँगी सबसे पहले क्या करेंगे पहले हाइड्रोजन को निकालो अगर मैंने यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाला तो यहाँ पर पहले सी एच फोर था अब क्या बचेगा सी एच थ्री ठीक है ये न्यूमेरिकल में आता है याद रखना है फिर हम लोग क्या करेंगे फिर इस सी एच थ्री को इधर ले लेंगे जैसे इस ओ OH एच को इधर लिया था वैसे ही आप सी एच थ्री को इधर लेंगे एच को तो छोड़ देंगे ना वो तो हमें निकालते जाना है यहाँ पे सी एच थ्री था अब यहाँ से भी एक हाइड्रोजन को निकालेंगे यहाँ पे सी एच थ्री था एक हाइड्रोजन को निकाल दिया तो क्या बचा सी एच टू चलिए फिर से इस सी एच टू को लेंगे इस सी एच टू से भी मुझे क्या निकालना है एक हाइड्रोजन को अगर मैंने इस सी एच टू से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया तो यहाँ पर क्या बचेगा सी एच लास्ट में हम लोग लेंगे सी एच को ठीक है इस सी एच से भी निकालेंगे एक हाइड्रोजन को और बनेगा सी आपको तब तक के करते जाना है तब तक के आपको हाइड्रोजन निकालते जाना है जब तक के आपका लास्ट में कंपाउंड खुद ना बचे जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन बचा जब तक के हाइड्रोजन निकालते जाना है जब तक के लास्ट में सारे के सारे ऑक्सीजन नहीं निकल जाए ठीक है अब काम की बात यह है कि डेल्टा एच कैसे कैलकुलेट करना है सपोज इसका वैल्यू है सपोज इसका डेल्टा एच का वैल्यू है लेटेस्ट से एक्स इसका डेल्टा एच का वैल्यू है लेटे से वाई बॉन्ड एंथलपी ना इसलिए मैं यहाँ पे देख लेती हूँ क्या फाइव से रिप्रेजेंट करने का है फिलहाल रिएक्शन ले लो ठीक है तो मुझे क्या करना है ये है मेरा पोलियाटोमिक मॉलिक्यूल तो मुझे पोलियाटोमिक मॉलिक्यूल के लिए क्या करना पड़ता है एवरेज बॉन्ड एंथलपी निकालनी पड़ती है तो जो भी आपकी एवरेज बॉन्ड एंथलपी रहेगी ना एवरेज बॉन्ड एंथलपी उसका मतलब क्या हो जाएगा उसका मतलब हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन टू ये रहेगी आपकी एवरेज बॉन्ड एंथलपी एवरेज हम लोग कैसे निकालते जितने वैल्यूज रहते डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज वैसे ही एवरेज निकाला जाता है ना ठीक है तो यहाँ पे कितने कौन से कौन से वैल्यूज है एक्स प्लस वाई इसलिए मैंने किया है एक्स प्लस वाई कितने वैल्यूज है दो वैल्यू इसलिए उसको डिवाइड कैसे किया है टू से ऐसे आपका निकलता है एवरेज बॉन्ड एंथलपी ऑफ ईच बॉन्ड ऐसा मैंने क्यों किया क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है चलिए यहाँ पे आ जाए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे आपके डेल्टा एच ऑफ़ रिएक्शन का वैल्यू है एक्स यहाँ पे आपकी है डेल्टा एच ऑफ़ रिएक्शन का वैल्यू है वाई यहाँ पे आपका है डेल्टा एच ऑफ़ रिएक्शन का वैल्यू है जेड यहाँ पे आपका डेल्टा एच ऑफ़ रिएक्शन का वैल्यू है डब्ल्यू ठीक है तो यहाँ पर मुझे निकालना है एवरेज बॉन्ड एनथाल ऑफ ईच बॉन्ड एवरेज बॉन्ड एंथल्पी ऑफ ईच बॉन्ड कैसे निकालते हैं आपको तो पता ही है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इन सब का सम X प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू अपॉन में अब यहाँ पे टू मत करना आप सोचोगे मैंने तो यहाँ पे भी टू से डिवाइड किया तो मैं यहाँ पे भी टू से डिवाइड करूँगी याद रखना है जब भी एवरेज निकालते हैं तो सम करते डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज कितने वैल्यूज़ है एक दो तीन चार कितने वैल्यू है एक दो तीन चार इसलिए अब मैं डिवाइड कैसे करूँगी चार से जो भी वैल्यू आएगा वो वैल्यू आपका यहाँ पे आपको लिखना है हु? ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिया है लेकिन मैंने स्टेप बाय स्टेप ही तोड़ा है ठीक है हर स्टेप में एक एक हाइड्रोजन को निकालना है तब तक के तोड़ते जाना है जब तक कि लास्ट में कंपाउंड खुद ना बचे मतलब हाइड्रोजन सारे के सारे निकल जाए यह आपको कब फॉलो करना है जब आपका पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल आता है पेपर में जनरली पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल ही आता है क्योंकि नॉर्मल जो मॉलिक्यूल होते हैं वो तो कोई बच्चा भी कर सकता है राइट अब है आपका नेक्स्ट वाला पार्ट बॉन्ड एंथल्पी चेंज को निकालना वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारे कैल्कुलेशनस हैं नेक्स्ट वाला पार्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर ही आपका इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में आपका थर्मोकेमिस्ट्री भी कवर हो रहा है इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंट्रेंस में थर्मोडानेमिक्स तो आता ही है साथ ही साथ थर्मो केमिस्ट्री भी आता है तो आपको वो दोनों चीज़ें आनी चाहिए और ये चैप्टर उसका हब है मतलब उसका कॉम्बिनेशन है तो हमें वो दोनों के दोनों कैलकुलेशंस यहाँ पढ़ने को मिल रहे हैं ठीक है सो लेट्स स्टॉप हियर थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है एंड प्लीज़ डू कमेंट टू बिकॉज योर कमेंट्स आर वेरी मच मोटिवेटिंग टू अस एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू इफ़ यू हैवेंट येट सब्सक्राइब लाइक शेयर थैंक यू वेरी मच